तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और ये अपना पार्ट 5 है, इसमें हमने ये हमारी लास्ट वीडियो है। अभी सब चीज़ में मैं आपको टोटली हर चीज़ कवर कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब समझिएगा बहुत सिंपल, मैंने एडस्टेरा को इसलिए मना किया था यूज़ करने के लिए क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब $100। जब हमारे पास $100 होंगे तभी हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, इतना आसान नहीं होता, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। सेकेंड चीज़, एडसेंस। किसी ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि ये बताइए कि एडसेंस क्यों अच्छा नहीं है और पॉप ऐप एड्स और एडस्टेरा क्यों अच्छे हैं। तो मैंने उनसे यहाँ पे गुजारिश की थी कि आप वहाँ पे ये मत सोचिए कि पॉप एड्स, एडस्टेरा एंड पॉपअप एड्स अच्छे हैं। मैंने उनसे ये कहा था कि केवल पॉपअप एड्स एडस्टेरा से भी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम विड्रॉल की बात करते हैं, जब अर्निंग की विड्रॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वैल्यू लगती है एडस्टेरा में वो $100 लगती है, मगर एडसेंस अकाउंट में भी $100 लगती है। इसीलिए मैं वहाँ पे सजेस्ट नहीं किया, मैं कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए लाता हूँ जहाँ पे $5 हुआ आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ओपिनियन है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पॉपअप एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको $5 हुआ और आपको वो विड्रॉल दे देता है आपके पेपल अकाउंट पे, फिर आप अपने उसको अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ देखने मिला यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको इस चीज़ को सजेस्ट किया प्रैक्टिकली। अब उसके बाद मैं बताऊँ कि अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप अपना विड्रॉल सेटिंग ऑप्शन में जाके अपना सेटिंग सेट कर लीजिए, नाम सेट करना है और आपको अपना पेपल अकाउंट का जीमेल, जो जीमेल एड्रेस होता है वो आपको डालना है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपका जीमेल एड्रेस है 1234@gmail.com, ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको डालना है जिससे आपका पेपल अकाउंट बना है, उसी पेपल अकाउंट का एड्रेस को डालना है आपको, मतलब मेल को डालना है और उसके बाद ओके कर देना है, तो आपका वो प्रोसेस ओके हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या पेपल अकाउंट, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए मैंने पेपल अकाउंट ओपन किया और ये मैंने अपना अपना पेपल अकाउंट ऑन किया, आप इसमें लॉगिन करते हैं, रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको एक तरह से कहा जाए तो सऊदी अरब से मैंने वहाँ पर से पैसे मंगवाए थे, एक्चुअली $10 मंगवाए थे वहाँ से मैंने, मुझे चेक करना था एक्चुअली प्रोसेस को। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने मंगवाए बट मैंने उसको अप्रूव नहीं किए, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो पैसे हैं वो रिटर्न हो गए। तो जब पैसे रिटर्न होते हैं तो उस टाइम कुछ चार्जिंग फीस लगती है, इसीलिए ये जो मेरा अकाउंट है ये -0.13 में चल रहा है। अगर इसको मेरे को सही करना है तो मेरे को सबसे पहले इतने इसको पे करने पड़ेंगे, तब जाके ये सही तरह से ज़ीरो होगा, बाकी अभी मेरा माइनस पे है अकाउंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली, आज तक आप सब लोग का अकाउंट देखे होंगे मगर माइनस में अकाउंट नहीं देखे होंगे किसी का, बट आज आप देख लीजिए ये माइनस में भी अकाउंट है मेरा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो मेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑटो विड्रॉल सेटिंग में जाकर, या फिर आप जब आप, मैं जैसे कि मेरा पहले से तो सेट है ये पूरा, तो आप क्या करेंगे प्रोफाइल में जाइए अपनी और प्रोफाइल में भी जाके आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोफाइल में जाएंगे, देखिए आपने यहाँ पे क्लिक किया प्रोफाइल में और यहाँ पे ये देखिए पेमेंट मेथड दिख रहा है आपको, यहाँ पे पेमेंट मेथड ये यहाँ पे आप जाके सेट कर सकते हैं यहाँ से भी, और चाहे तो डायरेक्टली आप बिलिंग से जाकर जहाँ पे बिलिंग मेथड आपका दिया है ये देखिए बिलिंग का, यहाँ से डायरेक्टली जाकर सेटअप कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ मेरे को दिखाना था कि ये पेपल है, ये पेपल से आपको कनेक्ट करना है और इसी पेपल से फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं जैसा चाहें आप वैसा चाहें, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट्स ही देखिए लिंक है यहाँ पे, मेरे 3 बैंक अकाउंट्स लिंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड, ठीक है, ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ आपको मैंने सिर्फ कवर की है सारी वीडियोस में, और भी मेरे चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसमें विजिट करते हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो मेरे को पसंद आई, ये मेरी 5 पार्ट्स ख़त्म हो चुके, अब मैं इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, ये कंप्लीट हो चुका है। बट अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम आती है, कहीं पर क्वारी लगती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ इसके बारे में समझाऊंगा। तो अब मैं आपसे लेता हूं इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए एक सब्सक्राइब और नीचे एक लाइक, मिलते हैं इसी तरह से, बाय बाय, टेक केयर।